नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है जीवी जी की आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक या जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनमें गियर्स नहीं होते। गियर्स, ट्रांसमिशन, जो भी आप कहते हो गियर बॉक्स, वो होता नहीं है उनमें। क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सिर्फ एक गियर होता है, ऐसा क्यों भैया? बाकी गाड़ियों में किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8, 10 गियर्स दे रहे हो आप इंटरनल कम्बशन यानी पेट्रोल डीजल वाले इंजन्स में, लेकिन यहाँ पे आप गियर बॉक्स नहीं दे रहे हो। क्या ऐसा कारण क्या है? अगर कई लोगों में मिथ भी जुड़ जाता है कि अरे यार इसमें तो गियर बॉक्स नहीं, यानी इसका पिकअप धीरे होगा या फिर इसकी स्पीड धीरे होगी, उतनी तेज नहीं चल पाएगी, उनके दिमाग में ये होता है क्योंकि उन्हें लगता है फर्स्ट गियर में अच्छा खासा पिकअप मिलता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो टॉप गियर होता है उसमें अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी, तो अगर गाड़ी में गियर बॉक्स ही नहीं है तो ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता है, आपको पिकअप भी बहुत अच्छा मिलता है, आपको स्पीड भी बहुत तेज मिल जाती है। तो क्या कारण है, सबसे पहले उसकी बात को समझते हैं, बेस को समझते हैं। अगर आपने मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 6 महीने के आसपास पहले, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों गियरबॉक्स जो है वो नेसेसरी होता है, जरूरी क्यों होता है, तो वो वीडियो आई बटन में लिंक किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए प्रॉपरली कि आखिर गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन की जरूरत क्या होती है। अगर ट्रांसमिशन की जरूरत वाला ये चीज समझ में आ जाए तो आप डेफिनेटली जान पाएंगे कि कैसे गियरबॉक्स काम करता है और क्या उसका काम होता है। उसके बाद में ये वीडियो आप देखेंगे तो अब आगे की बात कर लेते हैं कि क्यों इलेक्ट्रिक कार्स में गियरबॉक्स नहीं होता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स में क्या होता है कि इंटरनल कम्बशन इंजन पहले बात कर लेते हैं। इंटरनल कम्बशन इंजन जो होता है, जो पेट्रोल डीजल वाला होता है, उसमें क्या होता है, उसकी एक लिमिट होती है। वो अपनी पावर, यानी कि सबसे ज्यादा पावर वो है कि भाई मैं सबसे ज्यादा पावर 2500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करूंगा, 5500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करूंगा। लिखा होगा ना, आपने देखा होगा कई बार कि भाई मैक्स पावर एट 2300 आरपीएम, 2800 आरपीएम। तो ये केस जो है वो पावर टॉर्क वाला जो है वो फिगर्स अलग अलग जगह होते हैं, मतलब एक इंजन जो है अलग अलग आरपीएम पे, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग पावर प्रोड्यूस करता है। वो सबसे लोअर गियर, सबसे लोअर टाइम, मतलब 500, 600, 700 आरपीएम में अच्छी खासी पावर नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है। इवन वो 500-550 आरपीएम के आसपास इंजन जो है चालू रहना भी मुश्किल होता है, उसको 700 के आसपास रहना पड़ता है चालू रहने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको गियरबॉक्स की जरूरत क्यों होती है कि भाई आपकी इस गाड़ी का आरपीएम जो है वो ऐसे लेवल पे आप रखें हमेशा, ताकि जो है स्पीड भी मेंटेन हो जाए, पावर भी रहे, इसलिए आपको गियरबॉक्स की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ क्या होता है, उनका मैक्सिमम टॉर्क वगैरह जो होता है वो टॉर्क, देखो क्या होता है, टॉर्क आपकी गाड़ी को स्टार्ट, मतलब पुल करने में मदद करता है, जो स्टार्ट होती है ना गाड़ी को पिकअप करने में, टॉर्क की मदद चाहिए होती है। तो टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक कार्स में, कई गाड़ियों में तो 0 आरपीएम मतलब स्टार्ट से अवेलेबल होता है, कई में 1000 आरपीएम से अवेलेबल होता है, तो स्टार्ट में ही सारा टॉर्क जो है अवेलेबल होगा। मान लो अगर एक इंजन जो है इलेक्ट्रिक इंजन, वो 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क या 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, अब वो 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है उसमें अवेलेबल होगा 0 आरपीएम से या फिर 1000 आरपीएम से, इसी में कहीं एक पॉइंट से ही वो निकलना शुरू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन को कहीं से भी फ्यूल इंजेक्ट नहीं करना है, पिस्टन चलेंगे नहीं उसमें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट पावर जो है वो जनरेट होगी, मैकेनिकल पावर। तो उसका टॉर्क जो है वो क्योंकि अवेलेबल होता है बहुत ही कम रेंज से, इसलिए उसमें गियरबॉक्स की जरूरत, फर्स्ट गियर की तो जरूरत ही नहीं कि भैया फर्स्ट गियर जो है वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि कम स्पीड पे ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होता है फिर, मतलब फर्स्ट गियर की जरूरत नहीं, चलो फिर मैक्स स्पीड पे क्या होता है। इलेक्ट्रिक इंजन जो होते हैं वो फ्री, बहुत हैप्पी रेविंग होते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल गाड़ियां जो है वो 5000-6000 आरपीएम, 7000 आरपीएम पे उसकी रेड लाइट होती है, डीजल गाड़ियों पे 4000-5000 आरपीएम के आसपास उनकी रेड लाइट होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार जो है इनकी रेड लाइट होती है किसी की 20000 आरपीएम, किसी की 25000 आरपीएम, मतलब इतना ज़्यादा रेव कर सकते हैं वो इंजन, इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन पर मिनट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका, आप वही टॉर्क जो है वो बहुत वाइड रेंज में डिस्पर्ड होता है, बहुत अगर आप गाड़ी जो है उस 15000 आरपीएम पे भी चला रहे हो तो उसमें प्लेंटी ऑफ टॉर्क अवेलेबल रहेगा, जबकि अपने इंटरनल कम्बशन में क्या होगा, इतने तेज आरपीएम पे चलोगे तो टॉर्क जो है बहुत कम हो जाता है। आपने देखा होगा ना कई ग्राफ जहाँ पे टॉर्क के ग्राफ, जैसे कि i20 ग्राफ है, वो यूं चढ़ता है और फिर वो धीरे धीरे वापस नीचे आ जाता है, तेज आरपीएम पे टॉर्क नीचे चला जाता है, पावर टॉर्क, तो ये होता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार के केस में क्या होता है, टॉर्क बहुत वाइड स्प्रेड होता है, इंजन बहुत हैप्पी रेविंग होता है, बहुत आप उसको तेज चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसमें गियर्स जो है वो ज्यादा यूज नहीं किए जाते। जब आपका एक ही गियर सारे गियर्स का काम कर सकता है तो आप उसमें एक्स्ट्रा गियर क्यों लगाओगे भाई, वो वाली सिचुएशन है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कभी भी इलेक्ट्रिक कार में रिवर्स गियर के लिए प्रॉपर अलग से गियर नहीं लगा होता है, यानी कि आप देखो नॉर्मल जो गियर अरेंजमेंट होते हैं 1 2 3 4 5,
एक रिवर्स गियर अलग लगा होता है जो कि उल्टे डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, एक उसके लिए एक्स्ट्रा सेपरेट दो गियर्स लगाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में सिस्टम नहीं होता है, उसका इंजन जो है दूसरी तरफ रिवॉल्व करने लग जाता है, इसीलिए वहां पे रिवर्स गियर की भी जरूरत नहीं है, वो एक ही गियर जो कनेक्शन है उसी से सारा काम वो कर लेता है। तो बस यही चीज है इलेक्ट्रिक कार के बारे में, ना ही उसका इंजन आवाज करता है, ना ही उसमें गियर्स की जरूरत है, ना ही उसमें रिवर्स गियर की जरूरत है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली, काफी ज़रा पोटेंशियल होल्ड करती है इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बसेस, अब जो भी बना रहे हैं टेस्ला वैसला जिन्होंने भी जो भी बनाना शुरू किया है, ऑटो एक्सपो में इस बार इलेक्ट्रिक चीज़ों पे काफी खासा जोर रह रहा है। तो बस फिलहाल यही है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि क्यों इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में गियर्स नहीं होते। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक ना एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।